हेलो बच्चों, जय हिंद, जय राजधानी। तो पिछले क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो चलो ग्लैंड्स को आज शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कवरिंग एपिथेलियम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और मैंने ये भी बताया था कि ये जो कवरिंग एपिथेलियम होता है ये टिश्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है? इसके आउटर या इनर सरफेस को कवर करते हैं, उसकी लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है? तो एक ग्लैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्लैंड्स जो है एक सिंगल सेल भी हो सकता है या कोई एक ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों? तो ग्लैंड एक सिंगल सेल भी हो सकता है और एक ऑर्गन भी हो सकता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? तो कोई सिंगल सेल या कोई ऑर्गन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी वाय कोशिकीय द्रव्य को छोड़कर कोई अदर यूजफुल सब्सटेंसेस यानी उपयोगी पदार्थों को जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स और भी कई चीज को स्त्रावित करता है, ग्लैंड कहलाता है, ठीक है ना? अब ग्लैंड जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय ग्रंथि एक कोशिका का बना होगा, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि दो यूनिसेलुलर ग्लैंड के बारे में आप पहले से जानते हो। एक को कहते हैं गॉबलेट सेल और दूसरे को कहते हैं क्या, सीरस सेल, ठीक है? तो ये जो गॉबलेट सेल है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? एपिथेलियम में आपने गॉबलेट सेल देखा था, तो गॉबलेट सेल को चषक कोशिका या कलश कोशिका भी कहते हैं, ठीक है? चषक कोशिका या कलश कोशिका भी कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? म्यूकस यानी श्लेष्मा, श्लेष्मा का स्त्रावन, ठीक है ना? यानी ये जो गॉबलेट सेल होते हैं ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू में आपने पढ़ा है कि कई एपिथेलियम में एपिथेलिया के सेल्स के बीच बीच में म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये म्यूकस सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस सेक्रेट करते हैं, और वो म्यूकस जो है उस एपिथेलियम के आउटर सर्फेस पे एक लेयर बनाता है जो उस एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। यानी म्यूकस जो है एपिथेलियम के आउटर सरफेस को चिकना भी बनाता है और उसको प्रोटेक्शन भी देता है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे आप पढ़ोगे कि ये जो हमारा स्टमक है तो इसमें गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, तो HCl एपिथेलियम को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? तो उसको बचाता कौन है? तो म्यूकस ही तो बचाता है, ठीक है? ये जो सीरस सेल है, ठीक है, इस सीरस सेल का फंक्शन क्या है? वाटर सिक्रीशन, ठीक है? यानी ये सीरस सेल जल स्त्रावित करते हैं, क्लियर है बच्चों? तो यहां फिगर में देखो, ये म्यूकस सेल, म्यूकस यानी गॉबलेट सेल का फिगर बना हुआ ये है ना, तो ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब यहां मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय ग्रंथि, बहुकोशिकीय ग्रंथियां, ठीक है? तो ये बहुकोशिकीय ग्रंथियां नाम से ही पता है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, है ना? और यहां से एंजाइम्स, हार्मोन्स और भी दूसरे सब्सटेंसेस यानी पदार्थ स्त्रावित होंगे। अब ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है बच्चों, इसको आगे क्लासिफाई किया गया है, इसको आगे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? एक को कहते हैं एक्सोक्राइन यानी वाय स्त्रावी, दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी, और तीसरा जो है मिक्स ग्लैंड या हेटरोक्राइन है, इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ओके, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जरा हम लोग इसको ठीक से समझ लें।
जैसे सपोज ये ग्लैंड है, ठीक है ना, ये एक ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड कोई पदार्थ स्रावित करता है ना, ये ग्रंथि जो है कोई पदार्थ स्रावित करता है। अब उस पदार्थ को यानी उस स्रावण को शरीर से बाहर लाना है, तो क्या चाहिए कि इस ग्लैंड के पास एक डक्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी इस ग्लैंड के पास एक डक्ट यानी वाहिनी होनी चाहिए जो उस स्रावण को बाहर तक ला सके, ठीक है। तो वैसे ग्लैंड्स यानी वैसे ग्रंथियां जिनके पास डक्ट होता है यानी वाहिनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के आप बहुत सारे एग्जांपल जानते हो, जैसे सेलिबरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड जैसे स्तन ग्रंथि, टीयर ग्लैंड जैसे अश्रु ग्रंथि, और भी बहुत सारे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी। अब ये एक दूसरा ग्लैंड है, ये भी कोई पदार्थ स्रावित करता है, लेकिन इस पदार्थ को जो भी ये स्रावित कर रहा है उस पदार्थ को शरीर से बाहर लाना नहीं है, शरीर के अंदर ही रखना है। तो क्या इस ग्रंथि को डक्ट यानी वाहिनी की जरूरत होगी? तो ऐसे ग्रंथि को वो डक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो जिस ग्रंथि के पास यानी जिस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, वाहिनी नहीं होती है, वैसे ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, वैसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये ध्यान रखोगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमेशा हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ठीक है। हार्मोन्स का नाम सुना होगा, आगे हार्मोन्स पे हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ेंगे। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एंजाइम्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं लेकिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जैसे थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, एड्रीनल और भी कई। तो इन सारे ग्लैंड्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये सभी ग्लैंड क्या है, दिस ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे सिक्रेट डिफरेंट हॉर्मोन्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके। सबसे बड़े क्या आप बता सकते हो, सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है? दैट इज थायरॉयड ग्लैंड। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स पे। नाउ मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये बच्चों मिक्स ग्लैंड क्या होता है, किस तरह के ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं? तो ध्यान रखोगे कि कुछ एनिमल्स के बॉडी में कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जिनका नेचर आंशिक रूप से यानी पार्सियली एक्सोक्राइन भी होता है और पार्सियली एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है। यानी एक ही ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर का होता है। यानी उसके कुछ भाग में डक्ट्स होते हैं और वहाँ से एंजाइम सिक्रेट होता है, और कुछ भाग में डक्ट्स नहीं होते हैं, वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है। तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना। तो मिक्स ग्लैंड ध्यान रहेगा बच्चों कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ये दोनों सिक्रेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मिक्स ग्लैंड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या है बच्चों? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे और आपको पता ही होगा कि ये जो पैनक्रियाज है यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस स्रावित होता है, और साथ ही साथ इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें अल्फा सेल बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और आपको ये भी पता होगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ हो जाता है ना, जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। चलो इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल बता सकते हो कि जो मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल हो? तो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, यानी हमारा जो आहार नाल है, ठीक है, तो आहार नाल भी क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है।
और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बॉडी का सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से बहुत सारे एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जठर आंत्र नली की दीवार से बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। कुछ हार्मोन्स का नाम आप जानते होंगे, जैसे गैस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है, इंटेरोगेस्टेरॉन हार्मोन, CCK-PZ हार्मोन, सिक्रेटीन हार्मोन, है ना। तो ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वॉल से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं। बात समझ में आ गई? ओके। इसके अलावा टेस्टिस, ओबरी, प्लेसेंटा, किडनी, इन सबको भी मिक्स ग्लैंड मानते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड के तीन टाइप्स है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन। तो आगे बच्चों हमें ये एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड को डिटेल में पढ़ने के लिए चैप्टर्स मिलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो आगे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, वाहे स्त्रावी ग्रंथियां। तो अभी मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे ग्लैंड को कहते हैं। तो जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स यानी ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, ओके, तो जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है वैसे ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ये जनरली एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब एनिमल के बॉडी में ध्यान रखोगे बच्चों कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये दो शेप में मिलता है, दो आकार में ही मिलता है, ठीक है। एक ट्यूब के आकार का फिगर में दिख रहा है, और एक एल्वियोलाई यानी कूपिका के आकार का, ठीक है। तो इसी के आधार पर इनका नाम भी दिया गया है, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार एंड एल्वियोलर यानी कूपिकाकार। नलिकाकार और कूपिकाकार ग्रंथि, ये जो कूपिकाकार है इसे एल्वियोलर, सेक्यूलर या एसाइनस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में दो भाग होते हैं, ठीक है। ये बच्चों ध्यान दो, यहाँ ये जितने दूर तक नीला किया हुआ है ये इसका सिक्रीटरी भाग है, सिक्रीटरी पोर्शन यानी स्त्रावी भाग है। स्त्रावी भाग यानी इतने दूर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वही सिक्रीशन कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर जो है डक्ट है यानी नलिका या वाहिनी है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हो सिक्रीटरी पोर्शन है ये, यानी स्त्रावी भाग ये है, और ये वाला जो भाग है ये क्या है, डक्ट है, ठीक है। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, सिक्रीटरी पार्ट एंड डक्ट, ओके। सिक्रीटरी पार्ट से ही सिक्रीशन होता है, और डक्ट उस सिक्रीशन को बाहर ले जाता है, ठीक है। तो क्लियर, एक्सोक्राइन ग्लैंड दो तरह के हैं, ट्यूबुलर एंड एल्वियोलर। अब ये जो ट्यूबुलर और एल्वियोलर ये दो टाइप्स हैं, इनके फर्दर सब टाइप्स हैं, इन्हें और भी आगे वर्गीकृत किया गया। चलो देखते हैं सबसे पहले ट्यूबुलर ग्लैंड को, ठीक है बच्चों। ट्यूबुलर मतलब नलिकाकार ग्रंथि, ठीक है ना। ओके, नलिकाकार ग्रंथियां। तो ये जो नलिकाकार ग्रंथि यानी ट्यूबुलर ग्लैंड है बच्चों, इसे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, ओके, यानी सरल और संयुक्त, ठीक है, सरल और संयुक्त, क्लियर है। तो ये जो सरल और संयुक्त है इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, अब यहां पे फिगर पे ध्यान दो। ये जो तीन फिगर बने हैं, है ना, ये सिंपल के हैं और ये कंपाउंड का है। तो इसमें देख रहे हो क्या कि इस ग्लैंड में सिक्रीटरी पार्ट एक है, इसमें भी एक है, और इसमें एक से ज्यादा है ना, तीन सिक्रीटरी पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों में डक्ट सिर्फ एक ही दिख रहा है ना, डक्ट सिर्फ एक ही दिख रहा है।
तो वैसा एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें सिक्रीटरी पार्ट यानी स्त्रावी भाग जो है एक या एक से अधिक हो, बट डक्ट जो है यानी नलिका जो है वो सिर्फ एक हो, नलिका सिर्फ एक हो, सिक्रीटरी पार्ट एक या एक से अधिक हो, तो ऐसे ग्लैंड को हम सिंपल ग्लैंड कहते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना। और यहां क्या दिख रहा है, सिक्रीटरी पार्ट एक से ज्यादा है, चार बने हुए हैं, डक्ट भी एक से ज्यादा है, दो बने हुए हैं, है ना। तो यदि किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीटरी पार्ट भी एक से अधिक हो और डक्ट भी एक से अधिक हो, तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्लैंड को कंपाउंड ग्लैंड कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो जो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस है बस वो डक्ट का है ना। सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमेशा डक्ट का नंबर वन होगा और कंपाउंड में डक्ट का नंबर वन से अधिक होगा, ठीक है। अब चलो जरा इन ये जो इनके टाइप्स है इनको और आगे डिटेल में पढ़े, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल है, सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड या सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, तो इन ट्यूब्स का शेप कैसा है इसके बेसिस पे इसको आगे क्लासिफाई किया गया। अब जैसे देखो ये ट्यूब जो है बिल्कुल सीधा है, तो इसलिए इसे हम लोग सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर बोलते हैं, यानी सरल सीधी नलिकाकार। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड है ये क्वाइल्ड हो गया है यानी कुंडलित हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर यानी सरल कुंडलित नलिकाकार। ओके। और यहां क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या कि ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड है वो शाखान्वित हो गया, ब्रांच्ड हो गया, ठीक है। तो इसी इसीलिए इसे सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर यानी सरल शाखान्वित नलिकाकार कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है उसे हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर, सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर एंड सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है बच्चों कि इनका एग्जाम्पल्स क्या है, बॉडी के किस पार्ट में सिंपल स्ट्रेट, सिंपल क्वाइल्ड और सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर इस ग्लैंड के कोई एग्जाम्पल बताएं? तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर का जो एग्जाम्पल है वो है पहला क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। ओके। ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन है, क्या सुना है इसके बारे में? तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन है इसे लिवरकुहन की प्रगुहिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है यानी ये आंत्र ग्रंथि का नाम है, ठीक है। और ये आंत्र ग्रंथि आंत्ररस भोजन के पाचन के लिए आंत्ररस स्रावित करता है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन कहते हैं और ये इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है। तो एक एग्जांपल सिंपल सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर का ये हो गया। एक एग्जांपल और कई बार पूछा गया है नीट में, जरा उसको भी हम लोग डिस्कस करें, ग्लैंड्स ऑफ नुप्सियल पैड इन मेल फ्रॉग। इसके बारे में नीट में अभी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, नुप्सियल पैड क्या है और उसमें ये जो ग्लैंड्स डेवलप हो रहा है ये इसका फंक्शन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि फ्रॉग जो होते हैं, ठीक है, उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है, आपको पता ही है, यानी बारिश के दिनों में फ्रॉग दिखते हैं, ठीक है, और सर्दी और गर्मी के दिनों में फ्रॉग्स नहीं दिखते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जमीन के मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, बाहर निकलते नहीं। तो जब ब्रीडिंग सीजन यानी रेनी सीजन आ जाता है तो फ्रॉग बाहर निकल आते हैं, और जब बाहर निकल आते हैं तो उनमें जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग, तो उस मेल फ्रॉग का जो फोर लिंब, फोर लिंब मतलब अग्रपाद,
फोर लिंब अग्र पाद, यानी उस मेल फ्रॉग का जो फोरलिंब है अग्रपाद है, उस अग्रपाद पे जो थंब होता है उसका अंगूठा, उस अंगूठे के नीचे एक गद्दी के जैसी रचना खुद ही डेवलप होती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान, ठीक है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और इस पैड को ही हम क्या बोलते हैं, नुप्सियल पैड बोलते हैं। ये जो नुप्सियल पैड है ना, ये सिर्फ मेल फ्रॉग के फोरलिंब यानी अग्रपाद के अंगूठे के नीचे बनता है, ठीक है, रेनी सीजन में, ओके। और इस पैड के प्रेजेंस के वजह से हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है और जिसमें पैड नहीं बनता है वो फीमेल फ्रॉग है, यानी एक तरह से ये एक सेक्सुअल लैंगिक द्विरूपता को दर्शाता है, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति की वजह से हम मेल फ्रॉग को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखो बच्चों, ब्रीडिंग सीजन में मेल फ्रॉग के फोरलिंब के थंब के नीचे जो ये नुप्सियल पैड यानी मैथुन गद्दी बना है, इस गद्दी में कुछ ग्लैंड्स निकल आते हैं, ठीक है। कैसे ग्लैंड निकल आते हैं, ये सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड निकल आते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है ग्लैंड्स ऑफ नुप्सियल पैड इन मेल फ्रॉग, ठीक है। अब इन ग्लैंड से ध्यान रखोगे कि कुछ स्टिकी सिक्रीशन, चिपचिपा सिक्रीशन सिक्रीट होता है और वो उसके पूरे पाम पे, पूरे हथेली पे फैल जाता है, जिसके वजह से उस मेल फ्रॉग का जो पाम होता है यानी उनके दोनों जो हथेली होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं और इस चिपचिपे हथेली के द्वारा मेल फ्रॉग जो है फीमेल फ्रॉग को टाइटली कैच करता है, पकड़ता है, और ये फीमेल जो है इसके वजह से मेल के पाम से जो है तेली से फिसल नहीं पाते हैं और ये उसके कॉपुलेशन में यानी मैथुन क्रिया में हेल्प करता है, क्लियर है। तो ये एक तरह का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ध्यान रखोगे कि जो सिर्फ मेल फ्रॉग में ही बनता है। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन और साथ ही साथ ग्लैंड्स ऑफ नुप्सियल पैड इन मेल फ्रॉग, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल है सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड के, ठीक है। अब चलो जरा नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर, ठीक है। तो ये जो सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर है इसमें जो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है वो क्वाइल्ड हो जाता है इस तरह से, है ना। तो ऐसा ग्लैंड हमारे स्किन के स्वेट ग्लैंड्स में मिलता है, स्वेट ग्लैंड्स यानी स्वेद ग्रंथियां, पसीने की जो ग्रंथियां होती है उन्हें ही हम लोग स्वेद ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे स्किन पे जो स्वेट ग्लैंड है वो सभी किसके एग्जाम्पल है, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। इसके साथ ही साथ ग्लैंड्स ऑफ सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल्स यानी शुक्राशय बोलते हैं इसे, क्या कहेंगे, शुक्राशय। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्राशय होता है यानी सेमिनल वेसाइकल होता है, वो सेमिनल वेसाइकल के अंदर जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो भी किसका बना हुआ है, सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर ग्लैंड का ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल याद रखोगे, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसाइकल, ये दोनों किसके एग्जांपल है, सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर के, ओके बच्चों। नाउ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ठीक है। तो ये जो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है इसका एग्जाम्पल है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसको हम जठर ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है ये हमारे स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है यानी अमाशय की दीवार में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जठर रस स्रावित करता है भोजन के पाचन के लिए। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है किसका एग्जाम्पल है, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर का, ओके। इसके अलावा जो हमारे आर्मपिट्स होते हैं, ठीक है ना, तो आर्मपिट्स में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, आर्मपिट्स में स्वेट ग्लैंड्स, तो आर्मपिट्स के जो स्वेट ग्लैंड होते हैं बच्चों वो भी ध्यान रखोगे कि सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड के एग्जांपल है। हालांकि स्किन के अधिकतर पार्ट में सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर वाले स्वेट ग्लैंड मिलते हैं, ओके।
तो ये हम लोगों ने सिंपल डिस्कस कर लिया। अब जरा कंपाउंड देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, ये फिगर में दिख ही रहा है कि इसमें सिक्रेटरी पार्ट भी कई है और इसके डक्ट्स भी कई हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है, यानी कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो चलो जरा देखते हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल, इसे ऐसे याद रखो, बी एम जी के, बी एम जी के, ठीक है। बी फॉर वॉट? बी फॉर ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड का नाम सुना है आपने बच्चों? तो ये जो ब्रूनर ग्रंथियां होती है, ये छोटी आंत का जो शुरू वाला भाग होता है, जिसको डिओडिनम यानी ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है, वहां प्रेजेंट होता है, उसकी दीवार में प्रेजेंट होता है। और इस ब्रूनर ग्लैंड से क्षारीय म्यूकस, अल्कलाइन म्यूकस सेक्रेट होता है, ठीक है। एम फॉर मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड ऑफ एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। मैमल्स जो स्तनधारी ग्रुप है, तो इनकी सबसे जो खास बात होती है वो क्या है, इनका जो विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो क्या है, वो है मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंस। कोई भी मैमल हो, उनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा, स्तन ग्रंथियां। ओके, तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिकतर जो मैमल्स होते हैं वो विविपैरस होते हैं। विविपैरस मीन्स वॉट? विविपैरस मीन्स यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं। बट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी जो है अपवादों का विज्ञान है, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो क्या आप मुझे वैसा कुछ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोई ऐसा मैमल जो बच्चे को जन्म नहीं देता बल्कि अंडे अंडे देते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ऐसा कौन सा मैमल है? तो ऐसा मैमल है जिससे आप जानते होंगे, प्लैटिपस और एकिडना, ठीक है। तो प्लैटिपस का नाम सुना होगा, एकिडना का नाम सुना होगा, ये सभी जो है अंडे देने वाले स्तनधारी है। और कहाँ पाए जाते हैं? तो इस तरह के मैमल्स जो है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है ना। तो भले ही ये अंडे देने वाले स्तनधारी है, लेकिन इनमें मैमरी ग्लैंड तो होगा ही, क्योंकि मैमल्स है। तो मैमरी ग्लैंड इनमें, इन मैमल्स में जो होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कि कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड के मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम गैस्ट्रिक ग्लैंड, सम गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कुछ गैस्ट्रिक, अधिकतर गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियां हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड वो कंपाउंड ट्यूबुलर भी होते हैं, क्लियर है बच्चों। एंड नेक्स्ट इज किडनी, ओके। तो किडनी जो है वो भी कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है, इज दैट क्लियर। तो ट्यूबुलर ग्लैंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ट्यूबुलर के दोनों टाइप डिस्कस कर लिए, सिंपल एंड कंपाउंड। अब चलो जरा हम लोग दूसरा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है, जिसे हम एल्वियोलर, सेक्यूलर या एसाइनस बोलते हैं, यानी कूपिकाकार ग्रंथियां बोलते हैं, जरा उसको डिस्कस करते हैं। कूपिकाकार ग्रंथियां, ओके, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलर ग्लैंड है, ठीक है, तो इसे भी हम ट्यूबुलर की तरह ही दो टाइप में डिवाइड करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड, यानी सरल और संयुक्त। और यहां पे भी क्लासिफिकेशन का जो आधार है, बेस है, वो सेम है। सिंपल में क्या है कि सिक्रेटरी पार्ट एक या एक से अधिक होंगे, बट सेक्रेटरी पार्ट एक या एक से अधिक होंगे, बट अब जैसे इसको ऐसे बनाना चाहिए,
डक्ट हमेशा एक ही होगा, ठीक है? तो सिंपल का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा कि सिक्रेटरी पार्ट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, बट डक्ट हमेशा सिंगल होगा, ठीक है? और कंपाउंड में क्या है, फिगर में देख रहे हो, सिक्रेटरी पार्ट भी बहुत सारे हैं, है ना, और उनके डक्ट्स भी बहुत सारे हैं, कंपाउंड इसको बोलते हैं, ठीक है? तो चलो जरा हम लोग इन्हें डिस्कस करें। तो सिंपल को आगे, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड को आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक को अनब्रांच्ड कहते हैं और दूसरे को क्या कहेंगे, ब्रांच्ड कहेंगे, ठीक है? तो ये जो अनब्रांच्ड यानी अशाखान्वित, अशाखान्वित कूपिकाकार ग्रंथि है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? तो इसके एग्जाम्पल होंगे म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड, ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ फ्रॉग। यानी फ्रॉग के स्किन में, फ्रॉग की त्वचा में दो तरह की ग्रंथियां मिलती है, एक को कहते हैं म्यूकस ग्लैंड और दूसरे को कहते हैं पॉइजन ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड से नाम से ही पता चल रहा है कि इससे म्यूकस यानी स्लेस्मा सेक्रेट होगा, और वो स्लेस्मा जो है उस फ्रॉग के पूरे स्किन पे फैल जाता है, जिसके वजह से उसका स्किन क्या हो जाता है, बहुत ही स्लिपरी यानी फिसलन वाला हो जाता है। और ये जो पॉइजन ग्लैंड है, तो इस पॉइजन ग्लैंड से बच्चों ध्यान रखोगे कि एक लेस टॉक्सिक यानी कम जहरीला पदार्थ स्रावित होता है, पॉइजन, कम जहरीला पॉइजन स्रावित होता है, और वो भी उसके स्किन पे फैल जाता है ना। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे हम फ्रॉग को जब हाथों से टच करते हैं तो हाथों में इचिंग होने लगती है, तो ये पॉइजन का ही वो इफेक्ट है, ठीक है ना? तो ये जो फ्रॉग के स्किन में म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड है बच्चों, ध्यान रखोगे किसका एग्जाम्पल है, सिंपल अनब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है? और ये सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर जो है, इसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे, तो इसका एग्जाम्पल है सिबेसियस एंड मीबोमियन ग्लैंड, सिबेसियस एंड मीबोमियन ग्लैंड्स, ठीक है? तो ये जो सिबेसियस ग्लैंड है बच्चों, से ऑयल ग्लैंड यानी तेल ग्रंथि बोलते हैं, और ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। अब जैसे हमारे स्किन से ऑयल निकलता है ना, ऑयल सिक्रेट होता है, जैसे बोलते हैं किसी पर्सन का स्किन ऑयली है ना, तो ऑयल कहाँ से आ रहा है? तो स्किन में जो ऑयल ग्लैंड यानी सेबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, वो सिक्रेट कर रहा है, और उस ऑयल को हम क्या कहेंगे, उस ऑयल को सीबम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीबम। तो ये जो सीबम है ये हमारे स्किन को मॉइश्ट बना के रखता है, नम बना के रखता है। अगर ये सीबम ना हो तो हमारा स्किन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है? तो सीबेसियस ग्लैंड किसके एग्जाम्पल है, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड के एग्जाम्पल है, ओके? और दूसरा जो है मिबोमियन ग्लैंड, तो ये जो मिबोमियन ग्लैंड है बच्चों, ये कहाँ मिलता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे आईलेट के मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इससे भी एक ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट होता है, तेलीय स्रावण स्रावित होता है, जो हमारे आंखों के कॉर्निया को मॉइश बनाकर रखता है, नम बनाकर रखता है, स्लिपरी बनाकर रखता है, फिसलन वाला। देखते हो जैसे हम पलके झपकाते हैं तो कभी फ्रिक्शन महसूस नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो तेल की एक परत है जिसे मिबोमियन ग्लैंड ने सिक्रीट करा है, वो इससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ओके? तो ये जो सिबेसियस है, मिबोमियन ग्लैंड है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है बच्चों, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड के, क्लियर? अब चलो जरा कंपाउंड एल्वियोलर देखते हैं, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड एल्वियोलर है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेक्रेटरी पार्ट भी बहुत सारे होंगे और डक्ट्स भी बहुत सारे होंगे, है ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, तो इसका एग्जाम्पल देंगे सब मैक्सी लरी एंड सब लिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है? ये क्या है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ना, ह्यूमन के पास थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तीन तरह के, तीन प्रकार के
लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो एक जो है वो लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और इसे ही हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा जो है टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसे हम सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड। तो ये दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड, किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड के, ठीक है ना। और कुछ सीबेसिस ग्लैंड भी जो है वो कंपाउंड एल्वियोलर हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों ने देख लिया कुपिकाकार ग्रंथियां यानी एल्वियोलर ग्लैंड। अब बच्चों ध्यान रखोगे कि एक और तरह का जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसमें ट्यूबुलर और एल्वियोलर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे ग्लैंड को हम कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं, यानी संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार ग्रंथियां, संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार ग्रंथियां। तो फिगर में आप देख रहे हो कि ये जो ग्लैंड है इसमें कई जगह पे ट्यूबुलर यूनिट दिख रहा है, सेक्रेटरी यूनिट है ना, ये देखो ट्यूब के जैसा, और कई जगह पे एल्वियोलाई दिख रहा है, और कई इसमें डक्ट्स दिख रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल को भी कई बार नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसे ऐसे याद रखो, पी 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 एम एल सी, ओके, पी 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 एम एल सी, पी फॉर वॉट? पी फॉर पेनक्रियाज, ठीक है, यानी अग्नाशय। ठीक है, फिर पी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, एंड पी फॉर पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो लार ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ईयर पिन्ना के ठीक नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? एम फॉर मेमोरी ग्लैंड ऑफ यूथेरियन मैमल्स। ठीक है, ये जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं, यानी वे मैमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम यूथेरियन मैमल्स कहते हैं। तो उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ह्यूमन वगैरह है ना, और आसपास जो हम मैमल्स देखते हैं, तो उन सभी के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखोगे कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद एल, दैट इज कॉल्ड एज लैक्राइमल ग्लैंड। ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या है? तो लैक्राइमल ग्लैंड का दूसरा नाम है टीयर ग्लैंड। तो अब तो इसे पहचान ही गए, टीयर ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं उन्हें हम लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, और ये भी कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। सी फॉर काउपर्स ग्लैंड। तो काउपर ग्लैंड बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड है, आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, यानी ओवरऑल हम लोगों ने ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, अब ग्लैंड्स का एक क्लासिफिकेशन और है, किस आधार पर? तो ग्लैंड्स को वो ग्लैंड किस तरह से अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, यानी ग्रंथि अपने स्त्रावन को किस तरह से स्त्रावित करते हैं, इसके आधार पर हम ग्लैंड को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये जो ग्लैंड्स हैं इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, यानी सिक्रीशन के स्त्रावन की विधि के आधार पर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेरोक्राइन, एक्राइन या एपिक्राइन। ठीक है, दूसरा एपोक्राइन और तीसरा होलोक्राइन। तो ये जो मेरोक्राइन या एक्राइन या एपिक्राइन, क्राइन मीन्स वॉट?
स्रावित करना होता है, स्रावित करना, ठीक है। तो मेरोक्राइन को हम अंश स्रावी कहते हैं, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड जो है इसे अप स्रावी कहते हैं, अप मतलब ऊपर। और ये जो होलोक्राइन है, होलो मीन्स कंप्लीट यानी पूर्ण, स्रावी। अब ये बहुत ही आसान है, इसे जरा ठीक से देखो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये कोई ग्लैंड है, तो ये उसके ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये सिक्रेटरी सेल्स है ना। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये उसके सिक्रेटरी सेल्स हैं। हमने कुछ सिक्रेटरी सेल्स को बाहर निकाल लिया है, चलो इतने सिक्रेटरी सेल को बाहर निकाल के यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर में सेल्स दिख रहे हैं, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है ना। ये सभी क्या है, स्त्रावी कोशिकाएं। अब देखो ये जो सिक्रेटरी सेल है, इसने अपना सिक्रीशन बनाना शुरू कर दिया। ये सिक्रीशन बन रहा है और ये सिक्रीशन बहुत सारा बन गया। अब जब सिक्रीशन बहुत सारा बन जाता है, तो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं यानी स्त्रावी कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, ये स्रावी कोशिका ने जब स्रावण बना लिया, तो अब क्या होगा कि ये जो स्रावण है वो विसरण विधि से, ठीक है, ये स्रावण जो है वो विसरण विधि से खुद ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी सेल ने उस स्रावण को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और सेल फिर से स्रावण बनाने में लग गया। तो अगर कोई ग्लैंड इस तरह से स्रावण करता है, स्रावण बनाता जाता है और उसे बाहर निकालता जाता है, बनाता जाता है बाहर निकालता जाता है, तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग मेरोक्राइन यानी अंश स्रावी कहते हैं। तो इस तरह के ग्लैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो गॉबलेट सेल, अभी बताया था चषक कोशिका, है ना। गॉबलेट सेल, चषक कोशिका, ये तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, मेरोक्राइन ग्लैंड का। और बॉडी में जो अधिकतर ग्लैंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, तो जो अधिकतर ग्लैंड्स होते हैं वो भी मेरोक्राइन के ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब चलो जरा दूसरे ग्लैंड को हम लोग डिस्कस करें, दैट इज एपोक्राइन। अप स्त्रावी, अप मतलब ऊपर। अब देखो ये स्त्रावी कोशिका है, इसने सिक्रीशन बनाना स्टार्ट किया, ये सिक्रीशन इसने बनाकर बहुत सारा बना लिया, है ना। लेकिन ये सिक्रीशन क्या हो रहा है कि उस स्त्रावी कोशिका के अपेक्स यानी अपेक्स चोटी पे, शीर्ष पे जो है ना जमा हो रहा है, ठीक है ना। ये सब इकट्ठा कहाँ हो रहा है, उस स्त्रावी कोशिका के अपेक्स पे जमा हो रहा है ना, अपेक्स पे कलेक्ट हो रहा है। और जब ये अपेक्स यानी शीर्ष, स्त्रावी कोशिका का शीर्ष जो है स्रावण से भर जाता है, तो ये शीर्ष जो है यहाँ से टूट कर अलग हो जाता है और फूट जाता है, ठीक है ना। यानी अपेक्स पर स्रावण इकट्ठा होगा और वो अपेक्स जो है स्त्रावी कोशिका से टूट कर अलग हो जाएगा और फूट जाता है और स्रावण बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से स्रावण होता है, तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, एपोक्राइन यानी अपस्त्रावी ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सेल का थोड़ा नुकसान हो गया है ना, सेल का जो अपेक्स है यानी शीर्ष है वो टूटकर अलग हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो पता ही है कि ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये सेल फिर से रीजनरेट कर जाएगा, फिर से नया सेल बना लेगा, ओके। तो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, इसका एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड होगा। मिल्क का जो सिक्रीशन होता है ना, वो इसी तरह से होता है, ठीक है। और कुछ स्वेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन इसी तरह से होता है, सम स्वेट ग्लैंड्स यानी कुछ स्वेद ग्रंथियां, ठीक है ना। उसके बाद जरा हम देखते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। होलोक्राइन ग्लैंड मीन्स पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि। तो यहां पे क्या है कि देखो ये स्त्रावी कोशिका है, इसने स्रावण बनाना शुरू किया, कुछ समय बाद जो है सेल के अंदर स्रावण काफी मात्रा में भर गया,
ठीक है, जब स्त्रावी कोशिका के अंदर स्त्रावण बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो पूरा सेल ही फूट जाता है और स्त्रावण बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, ऐसे ग्रंथि को होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल का ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि पूरा सेल ही फूट रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बच्चों, क्या एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड्स, ओके, यानी तेल ग्रंथि। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तेल के बारे में, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड्स को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एपिथीलियम में हम लोगों ने कवरिंग एपिथीलियम पढ़ लिया और ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी पढ़ लिया, है ना। एपिथीलियम का कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ रूपांतरण भी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम एपिथीलियम यानी उपकला को दो और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम यानी तंत्रिका स्त्रावी, तंत्रिका संवेदी उपकला, तंत्रिका संवेदी उपकला, और दूसरे को कहते हैं मायो एपिथिलियम यानी पेशी उपकला, ओके। तो ये जो न्यूरोसेंसरी एपिथिलियम है बच्चों यानी तंत्रिका संवेदी उपकला, इसमें होता क्या है कि देखो, इसमें कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं इस तरह से, ये क्या है, संवेदी कोशिकाएं, सेंसरी सेल्स, और उनके बीच बीच में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, देखो, यानी आलंबन कोशिका है ये है सपोर्टिंग सेल्स, यानी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स होंगे, एक होगा क्या, सेंसरी सेल्स, और दूसरा होगा सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं, इन सेंसरी सेल का जो बेस होता है, इस बेस पे सेंसरी नर्व फाइबर यानी संवेदी तंत्रिका तंतुएं उपलब्ध होती है, दिस आर व्हाट, सेंसरी नर्व फाइबर्स, ओके। तंत्रिका कोशिका का नाम सुना होगा आप लोगों ने, न्यूरॉन्स का, तो ये न्यूरॉन्स यानी जो संवेदी कोशिकाएं हैं सेंसरी सेल्स, उनसे क्या जुड़े हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो सेट दिख रहा है इसे ही हम लोग न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम कहते हैं, और ये न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम जो है एक रिसेप्टर के जैसा काम करता है, रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब ग्राही के जैसा कार्य करता है। अब अगर इस सेंसरी सेल के कांटेक्ट में कोई परिवर्तन होता है यानी इस संवेदी कोशिका के ऊपर कोई चेंज होता है, तो ये संवेदी कोशिका जो है तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और वो नर्व इम्पल्स जो है इन सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ब्रेन को। तो जंतु को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या, किस तरह का चेंज हुआ है, यानी ये जो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है ये एक तरह का रिसेप्टर है, बात समझ में आ गई बच्चों, ये एक तरह का रिसेप्टर है यानी सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। अब जैसे हम टंग के ऊपर फूड को रखते हैं तो क्या होता है, हमें फूड का स्वाद पता चल जाता है, क्यों, तो टंग के एपिथीलियम में टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। तो ये जो टेस्ट बड्स होते हैं यानी स्वाद कलिकाएं, ये किसके एग्जाम्पल है, ये न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम के एग्जाम्पल है, क्लियर है। उसी तरह से हमारे आंखों के रेटिना पे जब लाइट इंसिडेंट करता है यानी प्रकाश का आपतन होता है तो क्या होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो रेटिना भी एक न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम है, ठीक है। उसी तरह से हमारे इंटरनल ईयर आंतरिक कर्ण में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी रोम कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो हमें हियरिंग यानी श्रवण, साउंड की हियरिंग यानी ध्वनि का श्रवण कराता है,
ठीक है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड कराता है, यानी संतुलन भी प्रोवाइड करता है। तो ये हेयर सेल जो होते हैं वो भी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के ही भाग है। ठीक है, तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम ध्यान रखोगे बच्चों क्या है, ये एक तरह के सेंस ऑर्गन यानी रिसेप्टर के जैसा कार्य करते हैं। ठीक है ना, अब जरा दूसरा हम लोग देखें मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम यानी पेशी उपकला। जैसे सपोज करो कि ये एक स्वेट ग्लैंड है ना, ये क्या है, स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि है, पसीने वाली ग्रंथि है। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों, तो इसका फंक्शन है स्वेद स्रावन यानी स्वेट सिक्रीशन, यानी ये पसीना स्रावित करता है और ये पसीना जो है इसी के अंदर भरा रहता है। अब ये इसका डक्ट है और ये ग्लैंडुलर पार्ट है ना, ग्लैंडुलर पार्ट यानी ये जो नीचे वाला भाग है ग्रंथिल भाग है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये उसकी वाहिनी है। तो ग्रंथिल भाग पसीने को यानी स्वेट को स्रावित करता, लेकिन ये पसीना जो है डक्ट के द्वारा बाहर त्वचा की सतह पर कैसे आएगा बताइए। तो हमारे बॉडी में सिर्फ स्वेट ग्लैंड ही नहीं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सभी ग्लैंड्स के आउटर सरफेस पर यानी बाहरी सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार के एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अलग प्रकार के एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें ही हम लोग मायो एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। बात समझ में आ गई बच्चों, तो इन्हें मायो एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। मायो टर्म इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एक्टीन और मायोसिन तंतुएं बहुत ज्यादा संख्या में होती है, जैसा कि वो पेशी में होते हैं है ना, मसल्स के अंदर होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, तो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके बाहरी सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं चिपकी होती है, और वो सभी मिलके एक एपिथेलियम बनाते हैं जिसे मायो एपिथेलियम कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो मायो एपिथेलियम या मायो एपिथेलियल सेल्स है ये संकुचनशील होते हैं, इनमें मसल की तरह संकुचन होता है। ठीक है, तो जब तंत्रिका तंत्र से संदेश मिलता है यानी मैसेज मिलता है तब इन मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और जब संकुचन होता है तो वो इस ग्रंथि को प्रेस करते हैं, और ग्रंथि को प्रेस करते हैं तो जिसके वजह से ये स्त्रावन जो है इस ग्रंथि से बाहर चला आता है। ठीक है, अब जैसे स्वेद ग्रंथि है तो जितने भी मायो एपिथेलियल सेल है इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि इसमें भरा हुआ स्वेद जो है पसीना जो है फाउंटेन की तरह बाहर आ जाएगा और त्वचा पर फैल जाएगा। ठीक है, तो मायो एपिथेलियल सेल बच्चों ध्यान रखोगे क्या काम है इसका, तो इसका काम है ग्रंथि के स्त्रावन को ग्रंथि से बाहर निकालना, और ये संकुचनशील होते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये हम लोगों ने ग्लैंड एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस भी देख लिए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्लास में इंटरसेलुलर जंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, कि जैसे दो सेल्स जो होते हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं, और उनके बीच मैकेनिकल एंड केमिकल लिंकेज कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगल बगल वाले सेल के बीच में कई तरह के इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय राजधानी। कल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेट 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेट सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर।
यश शर्मा ने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक तीन विद्यार्थी, 94% या अधिक सात विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले दो विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, ZED, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 11th-12th क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध। 11वीं-12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, ZED, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, ZED, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdhanigroup.in, हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001310।